तपा देने वाली गर्मी और उसके बाद कई घंटों तक अघोषित बिजली की कटौती, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इसी मांग को लेकर रैली में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव मंच के सामने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस दमोह लोकसभा अध्यक्ष अंकेश हजारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इसको लेकर उन्होंने बताया कि अघोषित बिजली कटौती से सभी परेशान हैं, इससे नगरपालिका की टंकियां भी नहीं भर पा रही हैं। अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं होता है तो विद्युत विभाग के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। लगातार पिछले कुछ दिनों से रेहली नगर में विद्युत मंडल द्वारा अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। निरंतर बिल्कुल 10-10 घंटे की कटौती की जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि नदी से पानी आता है, बोरों का पानी आता है, नगर पालिका की टंकियाँ नहीं भर पा रही हैं, बच्चे अपने घरों में सुख चैन से ना पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना रह पा रहे हैं, ना कूलिंग का पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम की दुकानें यहाँ रैली नगर में बंद जैसी हालत में हो गई हैं। पंखे की हवा से जैसे एक पत्ती हिलती है, यहाँ के विद्युत मंडल वालों को, रैली वालों को बहाना मिलता है और कहते हैं हवा चलने लगी और लाइट बंद कर देते हैं रात में 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। निरंतर यह लोग यहाँ, निरंतर स्टाफ की कमी है और जो स्टाफ के लोग हैं उनको सामान देने में भी कमी करते हैं। यहाँ प्रभारी डी है गड़ाकोटा का, जो एक दिन भी रैली कभी काम नहीं आता, देखने नहीं आता, समस्या सुनने नहीं आता। इसके खिलाफ में आज रैली युवा कांग्रेस ने पुतला जलाया है मुख्यमंत्री का, और अगर यह 24 घंटे के अंदर समस्या का निदान नहीं होता है तो विद्युत मंडल का घेराव होगा, फतरा होगा, आगजनी होगी और निश्चित रूप से ऐसी लाइट से परमानेंट लाइट खत्म हो जाए। रैली से योगेश सोनी, सागर टीवी न्यूज़।